कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू। और बताइए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बस कल परसों 2 दिन और, उसके बाद मिल्टन को हम लोग खत्म करेंगे। और मिल्टन के ऊपर 4 टेस्ट भी इसी के साथ जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 टेस्ट मिल्टन के ऊपर आप लोगों के पास पहुँचाऊँ, और उतना ही तैयार रखिएगा, उससे ज़्यादा जो है नहीं आएगा। ईश्वर में विश्वास करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आप उतना तैयार रखिएगा। इसके बाद अगर आप लोग सलाह देंगे तो फिर लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाएगा। वैसे जो मिसलेनियस चीजें हैं लैंग्वेज की, आज फिर लैंग्वेज की एक वर्ड पावर पहुंचेगी आप लोगों के पास। तो शुरू करते हैं हम लोग। जो भी जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है। मिल्टन की एक ट्विन पोयम है, ला एलेग्रो और इल पेंसेरोसो। हाँ जी, नहीं, पैराडाइज, पैराडाइज लास्ट कहिए शुरू कर दूं, या फिर ये छोटी पोयम दो रह गई थी? अच्छा, तो वही पूरा जो है वो उसी को शुरू कर दूं? चलिए ठीक है, तो मैं उसको जो है खत्म कर दे रहा हूं, राइट। तो शॉर्ट में मैं 12वीं बुक की चर्चा कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं शॉर्ट में 12 बुक की जो है वो चर्चा कर दे रहा हूँ, और लिख भी दे रहा हूँ। बेटा इसको थोड़ा मीठा हो गया। दो मिठाई। चलो ठीक है, जब कैरेक्टर्स हो गए थे तो थीम को मैं शॉर्ट में जो है लिखते जा रहा हूं, थोड़ा तेज लिखूंगा। पैराडाइज लास्ट। शॉर्ट समरी। बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? क्लियर? ओके। अबाउट द थीम ऑफ पैराडाइज लास्ट। अबाउट द थीम ऑफ द पैराडाइज लास्ट। मिल्टन हिमसेल्फ रोट। पैराडाइज लास्ट की थीम का जहां तक सवाल है, इसके संबंध में मिल्टन ने खुद लिखा, मिल्टन हिमसेल्फ रोट, आई कंसल्टेड एट लीस्ट 100 थीम्स बट फाइनली माई चॉइस फेल्ट, माई चॉइस फेल ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट लेकिन अंततः उसने ओल्ड टेस्टामेंट की थीम का चुनाव किया। बट द इमीडिएट सोर्स ऑफ
बट द इमीडिएट सोर्स ऑफ द एपिक is based on Veda se Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. Veda's Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. लेकिन टाइटल है हिस्टोरिया कहते हैं हिस्ट्री को, एक्लेसियस्टिका मीन्स पर्टेनिंग टू रिलीजन या धार्मिक, जेंटिस कहते हैं जेंट्री को, पीपल को, एंग्लोरम मीन्स होता है इंग्लिश. तो अंग्रेज जनजातियों का धार्मिक इतिहास जो कि वेद की रचना है, इमीडिएट सोर्स जो है मिल्टन ने वेद के हिस्टोरिया एक्लेसियस्टिका जेंटिस एंग्लोरम से लिया है. दूसरी बात, पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, जानते ही हैं आप लोग. पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, 12 खंडों में बटी हुई किताब है. पहले जिक्र मैं कर चुका हूं कि सात और सबसे लंबी पुस्तक थी सातवीं, और सातवीं को दो पार्ट में मिल्टन ने बांटा, फिर 10th बुक को दो पार्ट में बांटा. इस तरह से जो है द एम ऑफ पैराडाइज लास्ट इज द एम ऑफ पैराडाइज लास्ट इज To justify the ways of God to mankind. मिल्टन के पैराडाइज लिखने का जो उद्देश्य है वो ये, to justify the ways of God to mankind. मिटाते भी चल रहे हैं. Milton describes Saturn lying on back along with his fellow fallen angels. It has been done. This is okay. Fellow fallen angels on the lake of fire, on the lake of fire in hell. मिल्टन ये दिखाता है कि सैटर्न अपने
साथी विद्रोही और पतन को प्राप्त फरिश्तों के साथ पीठ के बल लेक ऑफ फायर आग की झील के ऊपर लेटा हुआ है अर्लियर ही वॉज नेम्ड लूसीफर। ये ध्यान रखिएगा सैटन का जब वो ईश्वर के बगीचे में था ईश्वर के साथ थे उसका नाम लूसीफर था। He was named Lucifer। प्रश्न पूछा गया है वास्तविक नाम सैटन का लूसीफर था। द मोस्ट फेवरेट एंजल ऑफ गॉड। जो ईश्वर का सबसे प्रिय फरिश्ता था। नाउ डिफीटेड एंड कास्ट इन टू हेल। लेकिन ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने के कारण उसको स्वर्ग के साम्राज्य से बाहर कर दिया गया और अब वो नर्क में है। He addresses Beelzebub, Moloch, Chemosh, Balaam, एड्रेसेस मिल जे बिल देगा मोलो बेलम। ये सब उसके साथी फरिश्तों के नाम है। मोलोक बेलम एस्टोरेथ रिमन ओरिसिस रिमन ओरिसिस मैमन एंड बेलियर। वो अपने साथी फरिश्तों को जो है संबोधित करता है जिसमें बेलजेबब है, मोलोक है, बेलम है, एस्टोरेथ है, रिमन ओरिसिस मैमन और बेलियल है। बेटर टू रेन इन हेल than to serve in heaven। अपने साथियों से कहता है कि ये बेहतर है कि हम नरक में शासक बन करके रहें ना कि हम स्वर्ग में सेवक बन करके रहें। फॉलन एंजल लुक फॉर मिनरल सोर्सेस। Fallen angels look for mineral sources and they build pandemonium। नरक में जो भी निर्माण सामग्री है उसकी तलाश करते हैं और उसकी सहायता से
वो पैंडीमोनियम का निर्माण करते हैं। द चीफ आर्किटेक्ट वॉज मल्सिफर, ये याद रखिएगा, द चीफ आर्किटेक्ट वॉज मल्सिफर। ये पूछा गया है नेट में प्रश्न कि हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ पैंडीमोनियम, तो वह है मल्सिफर। बुक सेकेंड यहां पर समाप्त होती है और बुक फर्स्ट समाप्त होती है बुक सेकेंड। बिटा दें, बोलते जाइए। बुक सेकेंड ओपन स्विंग द स्पीच ऑफ सैटर्न, सैटर्न के भाषण के साथ दूसरे खंड की शुरुआत होती है। ही एड्रेसेस टू हिज फोर एंजल्स, addresses his four angels और ये चार एंजल उसके माउथ पीस है, his माउथ पीस, एक तरह से उसके प्रवक्ता है। फोर एंजल्स इसमें बेलियल है, मैलोक है, मैमन और बेलजेबब है। बेलजेबब एंड मैमन, मोलोक है MOLOC के, बेलियल, मोलोक, बेलजेब और मैमन। ये चार प्रवक्ता हैं बेलियल, मोलोक, बेलजेब और मैमन। उनको संबोधित करता है मैलोक is in favor of open war with God मोलोक साटन से कहता है कि एक खुला युद्ध हो जाना चाहिए ईश्वर के साथ। मैमन सेज दैट हेल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, दैट द हेल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड The hell can be transformed into heaven. मैमन ये कहता है कि खुले युद्ध से बेहतर यह है कि नर्क को ही हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर दें जो कि स्वर्ग जैसा दिखने लगे। बेलजेबब से इल विल बी बेटर टू
It will be give that kiss me, darling. It will be better to corrupt God's newly creation earth. बेलजेबब अपना मत ये व्यक्त करता है कि ये बेहतर होगा कि ईश्वर ने जो अभी अपनी नवीनतम रचना अर्थ को बनाया है उसको जो है करप्ट किया जाए अर्थ एंड मैन और मानव जाति को जो है भ्रष्ट किया जाए. देन सैटर्न takes a flight takes a flight into void. And reaches the gate of hell. नर्क के दरवाजे पर शून्य से उड़ान भरते हुए सैटर्न पहुंचता है और देयर ही इज एनकाउंटर्ड There he is encountered by his own daughter, सिम. कैरेक्टर में मैंने मैं बता चुका हूं कि सिम उसकी बेटी थी. सैटर्न पर There he is encountered. जिसका सामना होता है नर्क के गेट पर सैटर्न का सामना उसी की बेटी सिन से होता है. He asks sin. To open the gate of hell. To open the gate of hell. She says, once the gate of hell is opened, once the gate is opened, It can never be closed. यदि एक बार नर्क का गेट खोला तो फिर ये कभी दोबारा बंद नहीं किया जा सकता है. मिटाएं Now Saturn ventures into the realm of chaos
ventures into the realm of अब केवोश केवोश जानते हैं अराजकतापूर्ण जहां पर काफी वहां वो ऐसे क्षेत्र में उड़ान भरता है. He loves the earth suspended. He sees the beautiful earth. Suspended from heaven by a golden chain. और ऊपर से देखता है खूबसूरत धरती को कि जो कि स्वर्ग से लटकी हुई है एक सुनहरी जंजीर के द्वारा. वास्तव में कोई सुनहरी जंजीर नहीं है, ये प्रार्थना वो सुनहरी जंजीर है जो मानव जाति को ईश्वर के चरणों में समर्पित करती है. यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नोट में लिखे हैं. सिन को साटन की बेटी बताया गया है, तो सिन वॉज बॉर्न फ्रॉम द हेड ऑफ साटन. From the head of Saturn, when he became envious, when he became envious of Jesus, ईश्वर के साम्राज्य में मैं पहले बता चुका हूं कि ईश्वर के दाहिने हाथ पर दाहिने हाथ की ओर जीसस बैठते थे और बाएं हाथ की तरफ साटन. तो एक बार साटन के दिमाग में जीसस को लेकर के ईर्ष्या उत्पन्न हुई और कहा जाता है कि साटन के सर से जो है सिन का जन्म हुआ. एंड डेथ वाज बॉर्न ऑफ of unnatural union of Saturn and Sin. तो डेथ जो है Saturn और Sin का जो है बेटा है. बुक थर्ड opens with the prologue to Holy Light. Opens with prologue to Holy Light. प्रश्न पूछा गया है नेट में कि पहली बार होली लाइट का जिक्र किस खंड में हुआ है. The book third opens with prologue to the Holy Light. Milton asks Holy Light, उस दिव्य रोशनी से मिल्टन ये प्रार्थना करता है, to illumine his inward. To illumine his inward, कि उसके अंतर प्रदेश को इतना ज्यादा आलोकित कर दे, इल्यूमिन कर दे, that he can reveal what no man
that he can reveal what no man has so far been seen. होली लाइट से मिल्टन ये प्रार्थना करता है कि वह उसके अंतर मन को अंतर प्रदेश को इतना रोशन कर दे कि वह उन चीजों को भी प्रकट कर सके व्यक्त कर सके जिसको आज तक किसी भी मानव जाति ने देखा ना हो. बेटा में once more Milton takes us to heaven where God is holding holding council. एक बार फिर मिल्टन हमें ईश्वर के साम्राज्य में ले चलता है जहां ईश्वर अपनी काउंसिल को एड्रेस कर रहा है. दे डिस्कस हाउ मैन विल रिस्पॉन्ड टू Saturn. जहां इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भविष्य में मानव जाति सैटर्न के प्रति किस तरह का व्यवहार करेगी. सैटर्न एंटर्स टू करप्ट एडन एंड ईव. Enters to correct Adam and Eve. लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि शैतान बहुत जल्दी ईडन गार्डन में एडम और ईव को करप्ट करने का प्रयास करेगा. God says to his son Jesus. God says to his son Jesus that he had provided man with power of reason. That he has provided man with reason. And will to resist temptation. Provided man with reason and will to resist temptation. He has also granted man the freedom of action and thought.
द फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड थॉट. At the same time to decide what is evil and what is good. At the same time to decipher what is good. And what is evil? काउंसिल के कुछ सदस्य ईश्वर से ये कहते हैं कि जब ये तय है कि सैटन एडम और ईव को भ्रष्ट करेगा तो उसको इस प्रयास से पहले रोका जा सकता है. तो ईश्वर कहता है कि हिज सन जीजस, बेटे जीजस से कहते हैं दैट ही हैज प्रोवाइडेड मैन विद रीजन एंड विल टू रेजिस्ट टेम्पटेशन. ईश्वर ने मानव जाति को तर्क की क्षमता भी दिया है और इच्छा शक्ति भी दिया है, जिनका दोनों का प्रयोग करके वो किसी भी प्रलोभन को रेजिस्ट कर सकता है. ही हैज ऑल्सो ग्रांटेड मैन द फ्रीडम ऑफ एक्शन. ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कार्य और चिंतन की स्वतंत्रता भी प्रदान की है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी विवेक दिया है कि मानव सोच सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है. इसीलिए ईश्वर किसी भी व्यक्ति के कर्मों और चिंतन में कोई बाधा उपस्थित नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसने विवेक दिया है क्या अच्छा है और क्या बुरा है. Satan says Archangel, Archangel Uriel, and transforms himself into Sheriff. Transforms himself into cherub. ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ईडन गार्डन में प्रवेश करने से पहले सैटन ने अपने आप को किस रूप में बदला था, तो cherub, C-E-R-U-B. यहां तक जो है बुक थर्ड समाप्त है और बुक फोर्थ. बिता दें, नोट कर लिया हो तो. जरा देखो कितने लोग जोड़ पाए हैं यार. पैंतीस Book fourth opens with soliloquy by Satan. He says, My recourse is evil. My recourse is evil.
from now on my recourse is available from now on all my effort will be if not destroy, at least divide God's kingdom. At least divide God's kingdom. शालिलोके बोलता है सैटर्न और ये कहता है कि माय रिकोर्स इज एविल, अब मेरा भविष्य का जो भी कार्य है वो केवल और केवल एविल क्रिएट करना है. फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद माय ऑल एफर्ट विल बी, मेरा सारा प्रयास होगा, इफ नॉट डिस्ट्रॉय, यदि मैं ईश्वर के साम्राज्य को नष्ट न कर सकूं तो कम से कम एटलीस्ट डिवाइड इट, तो उसको विभाजित कर दो. यूरिल बिकम्स सस्पिशियस आप सैटर्न, सैटर्न को देख करके यूरिल को शक होता है, बिकॉज एंजल स्पेस कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड. Because an angel's face can not be distorted. अभी आप जाने हैं कि सैटर्न अपना नाम क्या रखता है, सेरब रखता है, एक फरिश्ता. उसको देख करके यूरिल को शक होता है, क्योंकि किसी भी फरिश्ते के चेहरे पर कोई विकार नहीं आ सकता है. He informs Gabriel that something is going wrong. और तुरंत यूरिल गैब्रियल को खबर करता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने जा रहा है. सैटर्न मूव्स फॉरवर्ड टू द गार्डन ऑफ हेवन. Saturn moves towards the garden of heaven. He leaves the wall and sits on the tree of life. And sits on the tree of life. Now
प्रश्न पूछा गया है डीएसएसपी में, पहली बार जब स्वर्ग के बगीचे में सैटर्न एंटर करता है तो कहां पर बैठता है, तो ट्रीज ऑफ लाइफ। पानी लाओ बेटा, he admires the beauty of Adam and Eve. Adam और Eve के सौंदर्य की वो मन ही मन प्रशंसा करता है। Uriel comes at the gate of heaven. To the gate of heaven. To inform Gabriel about interloper. To inform Gabriel about interloper interloper उस व्यक्ति को कहते हैं जो चोरी चुपके किसी premises में प्रवेश करता है, उसको interloper कहते हैं। Adam and Eve are preparing for bed. Adam और Eve दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं। Adam reminds Eve not to eat the fruit from the tree of knowledge. Zephron and Ithuriel नोट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, Zephron and Ithuriel detect Saturn in shape of toad. In a shape of toad. पहली बार toad का वेश धारण करके साटन स्वर्ग के बगीचे में प्रवेश किया था। Whispering into the ear of Eve. जो फुसफुसाहट भरी आवाज में
ईव के कानों में कुछ कह रहा है। शैतान इज कैप्चर्ड सैटर्न को पकड़ लिया जाता है। ही इज ब्रॉट बिफोर योर हील। यूरिन के सामने सैटर्न को लाया जाता है। Uriel wants war with Saturn. Saturn के साथ युद्ध करना चाहता है Uriel, but God interrupts. इतना हो गया बेटा। एंड लेट सैटर्न गो। मित्रों बुक फिफ्थ की शुरुआत कल खत्म होगा। ये बुक फिफ्थ की शुरुआत कल होगी। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।